टू में आया था, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आया था, क्या करोगे? मेरे ख्याल से तो वन सब्ट्रैक्ट कर दे, वन ऐड कर दे, है ना, शायद चेक करते हैं क्या होता है। तो एक्स की पावर फोर क्या किया, वन सब्ट्रैक्ट किया, वन ऐड किया, ध्यान से चेक करो, ये वाला प्लस वन तो ऐसे ही लिखा है भैया, ये वाला प्लस वन ऐसे ही लिखा है, हमने क्या किया माइनस वन किया और प्लस वन किया, मतलब वन सब्ट्रैक्ट किया, वन ऐड किया, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वापस एक्स की पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे, हमें अपना क्वेश्चन बनाना है, ठीक, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, ओके। तो ये हो जाता इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें इसको आप एक साथ ले लेते तो ये हो जाता एक्स की पावर फोर माइनस वन, एक्स की पावर फोर को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते और माइनस वन को आप ये वाले वन को वन स्क्वायर, और वन प्लस वन क्या हो जाता है टू, और अपॉन में यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा सकते थे और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, तो कर दो, कैसे स्प्लिट करने से पहले यहाँ फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ओके, और प्लस में टू है और होल डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास dx। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस लगाए, लगा देंगे और टू अपॉन, स्प्लिट कर दिया ये वाले प्लस साइन से इसको, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स, ये गया, यहाँ से हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx, करेक्ट, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन dx और प्लस टू तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा क्या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन का इंटीग्रेशन x और प्लस टू, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अभी अभी किया था, tan इनवर्स x होता है, ठीक है, किया था ना, बिल्कुल किया था, ठीक है, और वैसे भी आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, ओके, तो ये हो गया। x की पावर 4 प्लस वन को आप डिवाइड लगाते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो यहाँ की डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा, एक्स की पावर 4, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं, एक्स स्क्वायर आता यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करते तो एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर को आप थोड़ा सा हटा के लिखते, प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा साइड में लिखते, क्यों, ये यहाँ 1 है और ये एक्स स्क्वायर है तो बिल्कुल अनलाइक टर्म है तो अलग से लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाते किसको एक्स स्क्वायर को, तो आ जाता कितना माइनस वन, यहाँ माइनस वन, माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई करते माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन, साइन चेंज, ये कैंसिल, वन और प्लस वन, भाई चेक करो ये भी पॉजिटिव और ये वन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस वन टू, ठीक है, बस अब यहाँ की डिग्री कितनी होगी जीरो, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है डिग्री जीरो, टू इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, अब छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ की डिग्री इससे लेस हो गई, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू अपॉन दस, अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा, बस यही आया था अभी आपका, और इसको इंटीग्रेट कर लो जो कि अभी मैंने आपको कराया था, ठीक है।